मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं बड़ी माला से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के सभी माननीय मंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, उन्हें निवेदन करूंगा कि वो उनका और बड़ी माला से स्वागत करने की कृपा करें। तालियां में कमी ना रहे, ताली पूरी ताकत के साथ बजाने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभात झा जी, माननीय विक्रम वर्मा जी, माननीय कैलाश विजयवर्ग जी, माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते साहब, माननीय जटिया जी, माननीय ज्योति दुर्वे जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, आप सब मिलके और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ी माला से और स्वागत करने की कृपा करें। मैं स्वागत की इस बेला के पश्चात मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश तीव्र गति के साथ और संगठन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसे ओजस्वी वक्ता, कर्मठ संगठन नेतृत्वकर्ता श्रद्धेय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने विचार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मध्य प्रदेश के कोने कोने से 65,000 से भी अधिक बूथों से आए हुए अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं और मेरे साथ मध्य प्रदेश के ये लाखों कार्यकर्ता आभार प्रकट करते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश में राजनीति में शुचिता और देश में विकास को एक नई दिशा दी है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों के साथ में आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जिनके नेतृत्व में एक के बाद एक 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आइए दुनिया के सबसे सक्षम नेतृत्व का अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों से तालियां बजाकर अभिनंदन हम करें। दोनों हाथों से तालियां बजती रहना चाहिए, तालियां बजती रहना चाहिए, तालियां बजती रहना चाहिए। ऐसा सक्षम नेतृत्व दुनिया में बिरले लोगों को प्राप्त होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी सम्मानी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानी पूर्व मुख्यमंत्री जी मंचा सिंह, पार्टी के महामंत्री संगठन सुहास जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जो आज यहां पर आए हैं, हमारे वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता के साथ ही यह सपना देखा था कि आने वाले कल में जो सरकारें होंगी
वो देश के गरीबों के लिए काम करेंगी, गरीबों के बारे में विचार करेंगी। गुलामी की मार झेलते झेलते देश का एक बड़ा वर्ग जो प्राथमिक सुविधाओं से भी वंचित रहा है उनकी चिंता करेंगी। लेकिन आजादी के डेढ़ दशक बीतने के बाद जब ऐसा लगा कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है, गरीब के आंसू पहुंचने में सरकार असफल है, तब 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और उन्हें सोचा था कि इसी विचार साधना से तपकर हमारे कोई कार्यकर्ता आने वाले समय में इस देश को दिशा देंगे और ये एकात मानववाद आने वाले समय में सरकारों के कामकाज का आधार बनेगा। लेकिन इस मंच से कहते हुए मुझे संकोच नहीं कि उनकी इस सोच को साकार होने में आजादी के बाद के 70 साल बीत गए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि एकात मानववाद से उपजा हुआ अंत्योदय के उस मंत्र पर अगर किसी सरकार ने पहली बार काम किया है तो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो देश में गरीबों के आंसू पोंछने का काम करने वाली सरकार है। और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार सरकार में फर्क होता है। जब हम ये कहते हैं कि सरकार सरकार में फर्क होता है तो देश और दुनिया इसको स्वीकृति प्रदान करती है। लेकिन हम गौरव का अनुभव करते हैं, हम गौरव का अनुभव करते हैं तब जब पूरा जीवन टूटी फूटी झोपड़ी में बिताकर अपने परिवार के साथ कोई बूढ़ा बुजुर्ग प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान में जाकर अपने कमजोर लेकिन भीतर की पवित्रता की ताकत के साथ हाथ उठाकर इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसको रहने के लिए घर मिला है। हम गौरव का अनुभव करते हैं तब जब चूल्हे की कालिक से पुती हुई दीवार के घर के दीवार पर कोई बूढ़ी मां या हमारी कोई बहन उज्ज्वला के उजाले से उसको साफ करते हुए गैस के चूल्हे पर खाना बनाते हुए अपनी आंखों में संतोष रखते हुए खाना तो बच्चों को खिलाती है, लेकिन आशीर्वाद इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। हम गौरव का अनुभव करते हैं तब जब ऐसा कोई बूढ़ा बुजुर्ग घर में कभी दीपावली के दिन भी उजेला नहीं हुआ, लेकिन सौभाग्य योजना से जब उसके घर में बिजली का लट्टू जलता है तो देखता तो वो अपने बच्चों को है, लेकिन आशीर्वाद इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता है। हम गौरवान्वित होते हैं तब जब देश के प्रधानमंत्री इस देश में स्वस्थ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ करते हैं। और इसीलिए गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार गरीबों की सरकार है। आजादी के बाद के 70 सालों में जिन्हें अधिकार नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, उनको अधिकार और न्याय दिलाने वाली सरकार है। और इसीलिए ऐसे सक्षम नेतृत्व का हम बार बार अभिनंदन करते हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। अंत्योदय के उसी संकल्प को साथ में लेकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आगे बढ़ती है तो इस प्रदेश का किसान जो खून के आंसू रोया करता था, सरकार उसके कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ये वो मध्य प्रदेश है जो बिजली के नाम पर अंधेरा, सड़कों के नाम पर गड्ढा और पानी के नाम पर सूखे के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही मध्य प्रदेश
देश के भीतर तेजी के साथ विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा होता है और पूरे प्रदेश का किसान, प्रदेश की जनता, माताएं, बहनें, बेटियां मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद देती हैं। ये वो मध्य प्रदेश है, फांसी की सजा देने का प्रावधान देश में पहली बार किया गया और इसीलिए ये हमारी सरकारें अंत्योदय के मार्ग पर चलने वाली सरकारें। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए 65,000 बूथों से आए हुए कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, हमारे सामने विधानसभा के चुनाव हैं, दुनिया का सबसे सक्षम नेतृत्व तो हमारे पास है, हमारी सरकारों के किए गए कार्य हमारे सामने हैं, तो जब चुनाव हमारे सामने हैं तो क्या हमें नेतृत्व को ये भरोसा नहीं दिलाना चाहिए कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम हम लहराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे ऐसे सक्षम नेतृत्व के सामने क्या कोई संकल्प हम लेना चाहेंगे? तो फिर अगर हम संकल्प लेना चाहेंगे, नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहेंगे, तो बोलिए मेरे साथ, अब की बार इतना गगनभेदी नारा होना चाहिए कि देश के जिन गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, वो सरकारें भी इस आवाज से गिर जाए। इसलिए बोलिए मेरे साथ, अब की बार बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता बंधु, अब मैं हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को आमंत्रित करते हुए ये निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के नौकरी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को आमंत्रित करते हुए ये निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक, यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के दिलों की धड़कन और समाज के हर क्षेत्र की आशा ऐसे श्रद्धेय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब पधारे और हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, गगनभेदी नारा, भारत माता की, भारत माता की, मन पर और भारत के मुकुटमणि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले हमारे यशस्वी अध्यक्ष 19 राज्यों में आज प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्रीमान अमित शाह जी, उनका भी दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी विनय जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष राकेश जी, श्रद्धेय रामलाल जी हमारे संगठन महामंत्री, नरेंद्र सिंह जी, मंचा सिंह हमारे सभी वरिष्ठ नेता, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यकर्ता महाकुंभ में यहां उपस्थित मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज दुर्लभ संयोग है
प्रधानमंत्री जी भी आज हमारे बीच है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री है, बल्कि इसलिए कि अब गरीबों का इलाज भी हिंदुस्तान की धरती पर अमीरों जैसा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, इसलिए कि उन्होंने संकल्प लिया है 2022 तक कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, विगत वर्षों में 15 लाख से ज्यादा मकान बनाकर तैयार हुए हैं उनके आशीर्वाद से, इसलिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करने को कह रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तो हमको केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा मिलता था वो केवल 30,000 करोड़ मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 61,000 करोड़ रुपया हर साल मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। इधर रेलवे के विकास के लिए मध्य प्रदेश के साथ यूपीए की सरकार में हमेशा अन्याय होता था, 600 करोड़ भी हर साल नहीं देते थे। प्रधानमंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने 31,000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की है, 6,000 करोड़ रुपया इस साल के बजट में डाले और अभी अभी इंदौर और जबलपुर की दूरी कम करने के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजना स्वीकृत की है, इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। और इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का कि जब श्रीमान कमलनाथ और मनमोहन जी की जोड़ी दिल्ली में विराजती थी तो नेशनल हाईवे में गड्ढे गड्ढे थे, सड़कों का पता नहीं चला था। अकेले नेशनल हाईवे के लिए 30,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करने के लिए अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का कि सिंचाई की रकबा बढ़ाने में जो सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं उसके पीछे उनका आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए स्वागत कीजिए तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का। हम इसलिए स्वागत करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाई और मुझे कहते हुए गर्व है इसी साल 5,200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का हमारे किसानों को मिला, इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का कि 7-7 स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश की धरती पर आकार ले रही है, उसके लिए धन की कमी नहीं आ रही। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हर घर में उजाला हो, किसी गरीब की झोपड़िया भी बिना बल्ब के ना रहे, इसलिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं इसलिए स्वागत करना चाहता हूँ कि अकेले मुद्रा बैंक की योजना के अंतर्गत 25 लाख लोगों को लोन दिया गया है काम धंधे के लिए, स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जनधन अकाउंट में जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए हर गरीब का प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी योजनाएं बना के बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रयास किया है मोदी जी ने, उसके लिए स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ये अद्भुत प्रधानमंत्री जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊं तो पूरी दिन केंद्र सरकार की और आपकी उपलब्धियां गिना सकता हूं, लेकिन अद्भुत सौभाग्य भारत का नरेंद्र मोदी भारत को भगवान के वरदान के रूप में मिले हैं। 7.5 करोड़ जनता की ओर से मोदी जी आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहां विराजमान है। सचमुच में भगवान ने यह तय कर रखा है, नियति ने यह तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही भारत दुनिया में विश्व गुरु बने, नंबर एक का राष्ट्र बने। और इसे देखिए, सबसे पहली जोड़ी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिन्होंने जड़े जमाई जनसंघ की और आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे जी के चरणों में
मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय कुशाभाऊ जी, राजमाता जी, उनकी जोड़ी ने प्रदेश को आगे बढ़ाया। हमारे प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, जोशी जी, पटवा जी, इन्होंने पसीने से संगठन को सींचने का काम किया है। और उसके बाद फिर आई अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी, जिन्होंने देश में पहली बार हमारी सरकार बनाई और अटल जी हमारे प्रधानमंत्री बने। अटल जी के चरणों में प्रणाम। लेकिन इसके बाद एक अद्भुत जोड़ी आई, वो है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की और अमित भाई शाह की। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। अमित जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज कार्यकर्ताओं का समुद्र यहाँ झाके मार रहा है, जहां तक दृष्टि जा रही है कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबा भी आए थे, लेकिन उनकी संख्या सड़कों पर सिमट गई थी, और हिम्मत भी करी तो दशहरा मैदान में आने की हिम्मत करी। अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कि बाबा थोड़े परिपक्व हो गए होंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने संसद में देखा। सचमुच में कहती हूं, दुख होता है, लेकिन सच्चाई है कि इस देश को मनोरंजन समझते हैं वो, और राजनीति को केवल तमाशा मानते हैं वो। और जब संसद में सारे देश ने देखा, पहले जाके प्रधानमंत्री जी के गले से लिपट गए, और बाद में लौटे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख के आंखों से जैसी हरकत उनने की, सारे देश ने देखा। मैंने सोचा कि गलती हो गई होगी, अब शायद बाबा परिपक्व हो गए होंगे, लेकिन आज की जैसी हरकत उनने संसद में की थी, बाद में भोपाल में भी वैसी हरकत करते हुए नजर आए। तमाशा सा बना दिया मैंने राजनीति को। मेरे बहनों और भाइयों, आज वो आए इस बार तो शिव भक्त बन के आए। शिव भक्त, भोले बाबा के भक्त, मानसरोवर से सीधे आए। अरे कैलाश मानसरोवर के फोटो तो तुमने वायरल कर दिए, हर महीने और दूसरे महीने विदेश में जाते हो, तब कहां जाते हो और क्या करते हो उसके फोटो कभी वायरल किए तुमने? आजकल वो किसानों की बात करते हैं, किसान, और हम पे आरोप लगाते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे जिसने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिसको ये पता नहीं कि मूली जमीन के अंदर होती है कि जमीन के ऊपर होती है, वो किसानों की चिंता करते हैं। यहां भाषण दिए उन्होंने, बड़े भाषण उन्होंने दिए, और कहा ये शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा मशीन है, घोषणा मशीन। सचिन तेंदुलकर रन मशीन है, शिवराज सिंह चौहान घोषणा मशीन है। मैंने कहा हां, मैं घोषणा मशीन हूं, सचिन रन मशीन है, लेकिन भैया राहुल तुम तो फन मशीन हो, मनोरंजन ही करते रहते हो। मुझे घोषणा मशीन का, हां मैं स्वीकार करता हूं कि मैं घोषणा मशीन हूं, लेकिन घोषणा कौन करता है? जिसके दिमाग और दिल में जिद हो, जुनून हो और जज्बा हो अपने प्रदेश के विकास का, वो घोषणा करता है। जिसके मन में तड़प हो अपने जनता के कल्याण की, वो घोषणा करता है। जिसके मन में संवेदना हो गरीबों के उत्थान की, वो घोषणाएं करता है। जिसके मन में संकल्प हो मध्य प्रदेश को नंबर एक का राज्य बनाने की, वो घोषणा करता है। लेकिन बाबा हम केवल घोषणा नहीं करते रे, हम पोषणा भी करते हैं। हां मैंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में शानदार सड़कें बनाऊंगा। आपको याद होगा कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 2003 के पहले बताओ सड़कें थी क्या मध्य प्रदेश में? अरे जोर से बताओ, थी क्या सड़कें? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा। हाँ हमने घोषणा की कि शानदार सड़कें बनाएंगे, और आज मुझे गर्व है कि विश्व स्तरीय सड़कें कई मध्य प्रदेश में बनाई। 1.5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के हमने मध्य प्रदेश की धरती पर तैयार कर दी। बताओ बनी है कि नहीं सड़कें? हमने घोषणा की थी कि हम सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस के मित्रों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की,
केवल 7.5 लाख हेक्टर में, और आज हमने सिंचाई पहुंचा दी 40 लाख हेक्टर में। हाँ, हमने घोषणा की थी कि नर्मदा जी के पानी को छिपरा जी में लाएंगे। जब तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछा तो उसने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हमका हम ला के दिखाएंगे, असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और नर्मदा जी के पानी को हम छिपरा जी में ले आएंगे। हाँ, हमने घोषणा की थी नर्मदा जी के पानी को हम गंभीर में लाएंगे। 27 तारीख को नर्मदा जी का पानी गंभीर में आ जाएगा। हम नर्मदा जी के पानी को काली सिंध ले जा रहे हैं, पार्वती ले जा रहे हैं, और किसान भाइयों, हमने जो घोषणा की थी इंच इंच जमीन में सिंचाई करने की, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 40 लाख हेक्टर से 80 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था करके बताएंगे। तुमने तो सड़कें बर्बाद कर दी, तुमने पानी कभी नहीं दिया। और बताओ, बिजली के राज में कभी बिजली आती थी क्या? अरे जोर से बताओ, आती थी क्या? उस समय नारे लगते थे, जब तक रहेंगे डिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। इसी भोपाल की सड़कों पे, ये तो राजधानी था, हमने देखा है जब रात रात भर बिजली नहीं आती थी तो चड्डी बनियान पर टाबिल लपेट के नौजवान रात भर राम धुन गाते रहते थे। ये मध्य प्रदेश की हालत थी। हाँ राहुल, हमने घोषणा की थी मध्य प्रदेश के गांव में भी 24 घंटा बिजली देंगे, और हमने 24 घंटा बिजली जनता जनार्दन को दे दी। बताओ मिलती है कि नहीं बिजली? हमने घोषणा की थी कि किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बात करती किसानों की, एक साल में मैं आंकड़े गिनाऊंगा तो देर लगेगी, एक साल में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 32,701 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला तो भारतीय जनता पार्टी ने डाला। हमने घोषणा की थी, कांग्रेस से 18% ब्याज पर कर्ज देने का काम करती थी, मैंने घोषणा की थी, भाजपा ने घोषणा की थी कि हम 0% ब्याज पर कर्जा देंगे। हमने 0% ब्याज पर किसान को कर्ज देने का चमत्कार किया। हाँ राहुल जी, हमने घोषणा की थी, हमने घोषणा की थी कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे। हमने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, 28 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। हाँ, हमने घोषणा की थी बेटियों को साइकिल देंगे, किताबें देंगे, बेटा बेटी दोनों को देने का काम किया। हमने घोषणा की थी गांव की बेटी की योजना की, वो योजना क्रियान्वित करके बता दी। हाँ, हमने घोषणा की थी 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों को देंगे, हमने घोषणा पूरी करके दिखा दी। हाँ, महिला सुरक्षा के मामले में हमने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई दरिंदा मासूम बिटियों के साथ दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, पूरे देश को ने ये कानून बना दिया। हाँ राहुल जी, हमने घोषणा की थी मध्य प्रदेश को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, स्कूलों का जाल बिछाएंगे, हमने बिछा के दिखा दिया। हमने घोषणा की थी हमने कॉलेज खोलेंगे, हमने खोल के बता दिए। तुम्हारे जमाने में केवल 5 मेडिकल कॉलेज, इस साल अकेले मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज खोल के हमने अपनी घोषणा को पूरा करने का काम किया है। और हाँ मेरे बेटा बेटियों, मैंने घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की थी कि प्रतिभावान बेटा बेटी, गरीब बेटा बेटी धन के अभाव में बिना पढ़े नहीं रह पाएंगे, उनकी फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमने घोषणा की थी दीनदयाल जी के सपने को हम पूरा करेंगे। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है गरीबी मिटाने को, कांग्रेस नारे लगाती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इंदिरा जी कहती रही गरीबी हटाओ, राजीव जी कहते रहे गरीबी हटाओ, कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ। अरे बताओ हटी इनसे गरीबी? अरे जोर से बताओ हटी क्या? और आज मुझे गर्व है प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, और उनके साथ हमने बनाई गरीबों का संबल, जो गरीबों का बल बन गई संबल योजना। संबल योजना मध्य प्रदेश में मजदूर को मजबूर नहीं रहने देंगे, और उस घोषणा को पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। हमने घोषणा की थी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की, हमने पूरा करके दिखाया। बहनों और भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि वो लागत किसानों को लागत में 50% मुनाफा जोड़ के दाम देंगे, वो काम भी
उनके आशीर्वाद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने जो कहा करके दिखाया, अगर उन कामों का भी विवरण दें तो पूरा दिन यहाँ लग जाए। अरे तुमने तो मेरे मध्यप्रदेश को बीमारू बता के रखा था। जहां चले जाओ दुनिया में, मध्यप्रदेश के बारे में कहा जाता था बीमारू प्रदेश, बीमारू राज, राहुल बाबा बीमारू से मध्यप्रदेश को हमने विकासशील राज्य बनाया, विकासशील राज्य से अब विकसित राज्य बनाया। और आगे 5 साल में कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्यप्रदेश को समृद्ध राज्य बनाएंगे, समृद्ध राज्य बनाएंगे। किसी भी पैमाने पर हमारा मध्यप्रदेश पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जब ये मध्यप्रदेश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो कांग्रेस में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, साहस नहीं है कि विकास पर हमसे बहस करे। वो इधर उधर की बात करते हैं। आजकल गुस्से में आग बबूला है, ऊट पटांग आरोप लगाते हैं, ऊट पटांग आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुम जिस तरह के आरोप लगाते हो, शब्दों का इस्तेमाल करते हो, कार्यकर्ता के धैर्य की परीक्षा मत लो। अरे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस, अगस्ता वेस्टलैंड हो, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, और चाहे नेशनल हेयर ऑयल का घोटाला हो, 2G 3G जीजा जी, कितने घोटाले तुमने किए हैं। तुम आरोप लगाते हो भारतीय जनता पार्टी पे, यहाँ के कांग्रेस के नेता भी बौखलाए हुए मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, कमर के नीचे बार कर रहे हैं। कभी कहते हैं नालायक है शिवराज, कभी कहते हैं डायर है, कभी कहते हैं मदारी है, कभी कहते हैं वेश्या है। मेरे बहनों और भाइयों, एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनाए तो कांग्रेस के राजा महाराजा बाजा उद्योगपति इनको सहन नहीं हो रहा है, परेशान है। 15 साल हो गए, कैसे फिर से सत्ता में लौटे। और जो षड्यंत्रों की राजनीति आज मध्यप्रदेश की धरती पर कांग्रेस कर रही है बहनों और भाइयों, उनके षड्यंत्रों की चिंता नहीं है हमें। अरे मुझे बदनाम कर लो, मुझ पे आरोप लगा लो, अब तो अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एक मामले में सुप्रीम कोर्ट गए, कहा चुनाव के मैदान में जाके लड़ो, अदालत को चुनावी अखाड़ा मत बनाओ। कभी अदालतों में जाते हैं, मैदान में हिम्मत नहीं है। और तो और, दुश्मनी है शिवराज से तो बदला शिवराज से ले लो, लेकिन मध्यप्रदेश की गरीब जनता से बदला क्यों लेते हो। संबल योजना के खिलाफ ये पहले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में खारिज हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट गए, कहा सरल बिजली बिल की योजना रोको, बिजली बिल की पैसा जो सरकार भर रही है उसको रोको। और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, कौन लड़ा इस मामले को। संबल योजना के खिलाफ सलमान खुर्शीद लड़े, जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता है। अरे गरीबों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। वहां से भी मामला खारिज हो गया। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों, मध्यप्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से बदला नहीं लेने दूंगा, बदला नहीं लेने दूंगा। ये हमारी योजनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम रोक के नहीं रुकने वाले। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश अब लगातार आगे बढ़ रहा है। अब 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है न्यू इंडिया का, नए भारत का। 2022 तक मोदी जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का निर्माण होना है, और उस न्यू इंडिया के लिए समृद्ध मध्यप्रदेश, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, समृद्ध मध्यप्रदेश हम बनाएंगे। समृद्ध मध्यप्रदेश क्या है? मेरे समृद्ध मध्यप्रदेश में खेती स्मार्ट होगी, हम किसान के उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, कृषि का विविधीकरण करेंगे, कृषि उत्पादों का निर्यात करेंगे, उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की गतिविधियों को प्रारंभ करके खेती को फायदे का धंधा बना के बताएंगे।